आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुबेर देवता धन के स्वामी कैसे बने। यह कहानी जितनी ही पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुबेर नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? एक ऐसे देवता की छवि जो धन वैभव और खजानों के मालिक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शुरुआत एक साधारण तपस्वी के रूप में हुई थी? जी हाँ, कुबेर शुरू में धनपति नहीं थे। कुबेर यक्षों के राजा थे और भगवान शिव के अन्य भक्त। कहा जाता है कि कुबेर ने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि देवताओं के सिंहासन तक हिल गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। हे कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम धन और वैभव के स्वामी बनोगे और तीनों लोकों के खजानों का संचालन करोगे। कुबेर को भगवान शिव ने लंका का राजा भी बनाया, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत संपत्ति और शक्ति से समृद्धि फैलाई। लेकिन यहां से कहानी में आता एक नया मोड़। रावण कुबेर का सौतेला भाई, जिसके मन में सत्ता और शक्ति की लालसा थी, लंका पर आक्रमण कर दिया। जी हां, वही रावण जिसने अपनी शक्ति से पूरे संसार को डराया। ये लंका अब मेरी है और यहाँ से अब तुम पराजित होकर जाओगे। रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुबेर ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह तो धन के असली स्वामी थे। तभी भगवान ब्रह्मा ने कुबेर को नया राज्य अलकापुरी प्रदान किया, जो समृद्धि और धन का नया केंद्र बना। क्या आपको पता है कुबेर के पास ऐसी कौन सी चीज थी? वह पुष्पक विमान। जी हाँ, वही विमान जिसे बाद में रावण ने सीता जी के अपहरण के लिए इस्तेमाल किया था। परंतु इसके असली स्वामी कुबेर देवता थे। कुबेर देवता की कृपा से धन वैभव और खजाने से भरे इस विमान की कथा पुराणों में विस्तृत रूप से बताई गई है। इससे सिद्ध होता है कि कुबेर का साम्राज्य केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था, बल्कि तीनों लोकों तक फैला हुआ था। आज भी लोग कुबेर की पूजा क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? धन प्राप्ति, व्यापार में सफलता और समृद्धि के लिए हर साल दीपावली के समय कुबेर की विशेष पूजा होती है। कहते हैं कि जिनके घर में कुबेर जी की पूजा होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, कुबेर की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि तप, त्याग और समर्पण में है। कुबेर का संघर्ष और तपस्या ने उन्हें धनपति बनाया और इस कहानी से हमें प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय कुबेर।